इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान के मसले पर सर्वदलीय बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 3 मंत्री आज पक्ष रखेंगे। बैठक में फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान के हालात की जानकारी दी जाएगी और साथ ही एक प्रेजेंटेशन भी इस दौरान दी जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। अफगानिस्तान के हालात की जानकारी फ्लोर लीडर्स को दी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं। सरकार की तरफ से 3 मंत्री जो हैं वो इस बैठक में सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद बस ये बैठक शुरू होने ही वाली है, जिसमें अफगानिस्तान के हालात की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी फ्लोर लीडर्स को दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि अब फिलहाल अफगानिस्तान में क्या ताजा अपडेट है। तो अब से कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में 3 सरकार के मंत्री सरकार का पक्ष रखते नजर आएंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कितना और वक्त बचा है और फ्लोर लीडर्स की बात की जाए तो कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है? ठीक 11 बजे बैठक शुरू होगी। तकरीबन संसद में जितने दलों के फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनमें से अधिकांश नेता इस बैठक के लिए मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। एनसीपी की तरफ से बात करें तो खुद शरद पवार होंगे। शिवसेना की तरफ से गजानन किसीकर होंगे, हालांकि उनके फ्लोर लीडर्स हैं विनायक राउत हैं, लेकिन वो नहीं होंगे, लेकिन गजानन किसीकर वहां पे होंगे। टीएम की तरफ से टीएमसी की तरफ से चंद्रशेखर राय और सौगत राय होंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये कोशिश होगी कि सभी फ्लोर लीडर्स को ये बताया जाए विदेश मंत्रालय के तरफ से। पहले विदेश मंत्री बयान देंगे, सचिव एक प्रेजेंटेशन देंगे, पूरा स्टेटस रिपोर्ट दे सकते हैं और उसके बाद जरूरत पड़ी कोई सांसद को कोई स्पष्टीकरण दिया होगा या कोई सवाल जवाब वो दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि सभी दलों को ये बताया जाए कि अफगानिस्तान में क्या कुछ चल रहा है और भारत सरकार वहां के सिचुएशन के लोग जो कुछ सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारी की गई है, ये भी बात सामने आई है कि एक प्रेजेंटेशन भी फ्लोर लीडर्स को दी जाएगी सरकार की तरफ से। जी हाँ, मैं वही आपको बता रहा था कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला वो एक प्रेजेंटेशन के मार्फत पूरा डिटेल दे सकते हैं कि अब तक अफगानिस्तान में क्या क्या सिचुएशन रहा, कैसे कितने लोगों को हमने वहां से निकाला, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ये सारा अपडेट उनको दे सकते हैं। इसके अलावा जो एक दिलचस्प ये रहेगी कि जाहिर तौर पर सांसद तालिबान को लेके स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहेंगे, उस सवाल का जवाब जो हमें सरकार की तरफ से सेंस मिल रहा है तो यही बताया जाएगा कि देश हित में जो जरूरी कदम उठाने की जरूरत होगी वो उठाया जाएगा। जाहिर तौर पर तालिबान को लेकर अभी भी पूरी दुनिया की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज तालिबान को लेकर जो रवैया रखेंगे, जो महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और बार बार मैं डेमोक्रेटिक इतिहास से कह रहा हूँ, इसको आप चाइना जैसा देश क्या कर रहा है या पाकिस्तान जैसा देश क्या कर रहा है उस संदर्भ में देखने की जरूरत नहीं है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज तालिबान को लेकर जो रवैया रखेंगे, भारत उससे अलग थलग नहीं रहेगा। बिल्कुल, जैसे ही बैठक शुरू होती है आपका वापस रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए तेज रफ्तार में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।